बहन की क्या डिमांड कर रहे हो? फैन कहाँ पे देंगे? कम नहीं है? अच्छा आप मंडी महंगी सस्ती है? कब तक महंगा होगा? छह भेड़े हैं ना, आप इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? फाइनल बताओ, फाइनल 26,000 के। और ये भी हमारा मेरे भाई, आप देखे मेरे भाई, और हमारा मेरे भाई आपको दिखा लें, हमारे दिखा के फिर आपको इनके डिमांड वगैरह भाई बताता है। और इनका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यार। ये भी देखे मेरे भाई, मैं आपको ये भी भेड़ अलहमदिल्ला आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी वाली अलहमदा भेड़ आपको दिखा रहा हूँ। हर भेड़ इसमें एक से बढ़कर एक अलहमदा लाजवाब क्वालिटी की अलहमदा आपको भेड़ें आपको मिलेंगी यहाँ से दिखाऊंगा। यार मैंने आपको बोला फाइनल बात करें और पूरी लाट की फाइनल बात करो। 28,000 के हिसाब से फाइनल है? कमी पेशी इसमें नहीं है? नहीं कमी पेशी आया नहीं है भाई। अगर आप यही भेड़ें आप लेते ना मेरे भाई, मैं आपको और इसमें मजीद भी आपको इसमें कमी पेशी करा के आपको दे देता हूँ। और ये भेड़े मेरे भाई आपको अगर पूरी लाट आप ये लेंगे आपके सामने खड़ी ये आपको और 23,000 के हिसाब से मिल जाएंगी मेरे भाई। और मतलब 25,000 से 2,000 कम होगा इनका रेट। आप अगर लाट लेंगे तो आप बहुत ही जल्द रब्ता करें, इंशाल्लाह मुनासिब आपको अलहमदिल्ला भेड़े मिलेंगे आपको। एक महीने बाद तो मुझे 40,000 थी, आज मंडी बहुत सस्ती है, व्यापारी कम बंदा भाई, तो माँ सस्ता थी क्या मंग रही है, जाती लोग बाहर चढ़ा कर हाथ पचे गए सही है। और ये देखे मेरे भैया 40,000 35,000 नुकसान क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त अलहमदिल्ला मैं ना और भेड़ों वाली मंडी में मेरे भाई मैं इंटर हो चुका हूँ। आज मेरे दोस्त मैं इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मुंदरी भेड़ें आपको दिखाऊंगा और जो नस्ल वाले भेड़े होते हैं ना वही मेरे भाई मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी मुझे लेट हो गया ना, थोड़े मेहमान थे, कुछ जानवर ख़रीदारी की है ना। और आज मेरे दोस्त मैं आप एक नस्लें वाली भेड़ें आपको अलहमदिल्ला दिखाऊँगा। आज भेड़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हैं और भेड़ों की मार्केट डाउन है। वो मेरे भाई भेड़े की मार्केट को किस वजह से डाउन है सारा सीन मैं आपको एक एक बात आपको समझाऊंगा। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको पूरी मालूमात आपको मिलेगी मेरे भाई। आपने वीडियो मुकम्मल करें मेरे भाई, अगर आपको मालूमात की ज़रूरत है जहाँ आप फार्मिंग करना चाहते हैं और किसी भी तरह की आपको बात की हमें ज़रूरत है, आप वीडियो मुकम्मल देखें और इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए और आपको मालूमात आपने कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदे के लिए आपको बात करूँगा आपसे मेरे भाई। और जानवर जो आज मेरे आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई लाजवाब क्वालिटी का, आपके मुंदरी भेड़े अच्छी क्वालिटी के मेरे भाई। अगर आप एक फार्मिंग करना चाहते हैं मेरे भाई, आप अभी से फार्मिंग करें मेरे भाई, क्योंकि आज काफ़ी जानवर भी ज़्यादा हैं और रेट भी बहुत मुनासिब डाउन रेट काफ़ी डाउन रेट जा रहे हैं इनके भेड़ों के। अगर आपके पास ज़मीन और रकबा है आप मेरे भाई बहुत ही आप जल्द इनकी फार्मिंग करें और आपको अच्छी भेड़ें आपको एक से बढ़कर एक आपको दिखाऊंगा नस्ल वाले। मेरे भाई काफ़ी दोस्त कहते हैं यार यूसुफ भाई हमें कोई भेड़े भी दिखाएं, देख देख और मैं भेड़े भी अच्छी दिखाएं और नस्ल वाले तोता फेस में भेड़े दिखाएं, रेट भी इंतहाई और मुनासिब हमें दिखाएं, रेट आपकी सोच से ज़्यादा मुनासिब। और जब इनको मेरे भी आपको दिखाऊंगा ना इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा, लेकिन लाटे के हिसाब से दिखाऊंगा। मंडी का मैं दीदार भी आपको काउंट कराऊंगा और ये कौन सी मंडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ पे लगती है मंडी, महंगी है सस्ती है, जो भी सीन है ना आपको इसी वजह मेरे भाई आपको डिटेल के साथ आपको मेरे भाई आपको बताऊँगा। अगर आप मुझसे रब्ता करके आते हैं ना मेरे भाई, आप भले पेमेंट एक रुपया भी ना लेके आए, पेमेंट आप अकाउंट में रहने देना, जो आपकी ज़रूरत हो पेमेंट ना आप वो लेके आए, बाकी इजाफी पेमेंट ना लेके आना मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई आप अगर लोकल आते हैं आप इतना कैश साथ लेके ना लेके जाना ना अच्छी बात भी नहीं है। अकाउंट में आसान होता है मेरे भाई, बेफिक्र होकर आप अकाउंट में कर रहे हैं। और जानवर जो भी मेरे भाई मैं आपको देता हूँ ना उनकी मेरे घर तक जिम्मेवारी होती है, अगर भेड़ प्रेग्नेंट ना हो वो भी वापस ले लूँगा मैं आपसे, उनका चरांद के पैसे भी दूँगा और उसके हर पूरी जवाबदारी मेरे को खाली पेड़ निकले और जहाँ आप गब्बर ना निकले जहाँ खाली जो भी मतलब है ना सीन है ना ऐब नुकसानी हो भेड़ वापस होगी, उसके दुगने पैसे भी दूँगा, वो भेड़ भी वापस होगी मेरे भाई। और माइंड और इन भाइयों से दीदार करे, भेड़ में दीदार पूछते हैं, नस्ल पूछते हैं, नस्ल कौन से किस तरह की भेड़ें हैं, रेट के हैं, डिमांड क्या लोग कर रहे हैं, ये मैं सारा सीन आपको बताता हूँ ठीक है मेरे भाई। आपको बैक कैमरे से आपको इसको नस्ल की पहचान करवाता हूँ।
और ये देखिए मेरे भाई, मैं ना आपको भेड़ों की पहचान करवाता हूँ मेरे भाई। भेड़ों की पहचान करेंगे तो आपको पता चलेगा ये किस तरह की भेड़ें हैं, क्या नस्ल है। ये देख ले मेरे भाई, नस्लें मैं आपको एक से बढ़ कर के इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, एक दूसरे से अच्छी नस्लें दिखाऊंगा। ये मेरे भाई के पास भेड़ें खड़ी हैं, इसके पास आज बहुत बड़ी एक लाट और अलहमदरा खड़ी है। सारा सीन हम आपको बताएंगे मेरे भाई, क्या भाई लोग डिमांड करते हैं, मंडी की क्या सूरत हाल आजकल चल रही है, इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम भैयान, भैया आज आपके पास कितनी भेड़े हैं? दस भेड़े का आप क्या डिमांड कर रहे हैं? नौ भेड़े का बंद कर रहे हैं, एक भेड़े का दो नर नर मादा बच्चे। कौन से बच्चे वाली है? अच्छा उत्तर कलौती है। अच्छा आप इनकी क्या डिमांड करते हैं? एक फाइनल बात करें जिसमें एक पैसे की भी कमी पेशी ना हो। सही सही है। ये देखें मेरे भाई, अगर फ़ायदा उठाना है तो अभी से फ़ायदा उठाएं। और भी मैं आपको भेड़े मेरे भाई आपको मुख्तल आपको दिखाता हूँ। ये भी मेरे भाई आपको बड़ी भेड़े अलहमदिल्ला आपको दिखा रहा हूँ, और इन भेड़ों की भी पहचान कीजिए मेरे भाई। और ये देखो इतना बड़ी और हैवी क्वालिटी का अलहमदिल्ला भेड़े आपको दिखा रहा हूँ। गब्बन भेड़े प्रणच और तैयार में मेरे भाई आपको भेड़े दिखा रहा हूँ। हर भेड़ एक दूसरे से अलहमदिल्ला अच्छी भेड़ अलहमदिल्ला आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने मेरे भाई। आज मंडी पर ना बहुत हैवी क्वालिटी की अलहमदिल्ला भेड़ें आई हुई है मेरे भाई। इस भेड़े से आप फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह, आपको अच्छी क्वालिटी वाली आपको मुनासिब भेड़ें आपको मिलने वाले। चाचू से बात करते हैं, चाचू क्या बताते हैं इनकी क्या डिमांड करते हैं? चाचू क्या डिमांड कर रहे हो आप इनके? 80,000 के हिसाब से। चाचू कितनी भेड़े हैं? तीन भेड़े 80,000 इनकी डिमांड कर रहे हैं। चाचू फाइनल क्या करेंगे? फाइनल बताओ जिसमें एक पैसे की कमी पेशी ना हो। 60,000 के हिसाब से। और गब्बा ना खाली है ये कितना टाइम के? ये क्या ये देखो मेरे भाई, भेड़ों की हाइट लेंथ भी देख रहे हैं। और देखो चाचू कितना टाइम की है, वह क्या नाम है, कितने सुबह में आ रही है ये? और पहले सुबह में है ये दो ना, और ये वाले दूसरे सुबह में है। ये देखना मेरे भाई आपके सामने ये भेड़े आपको इंशाल्लाह इसमें मैं काफ़ी कमी पेशी भी आपके साथ करवा सकता हूँ। आप हमसे रब्ता करके मेरे भाई आप आ जाएं। ये देखिए आप इसका नकोड़ा, आप इनका फेस मेरे भाई, आप नस्ल मेरे भाई आप चेक कीजिए इंशाल्लाह अच्छी नस्लें मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी ये भी पीछे भी खड़ी हैं, ये भी दिखाएं यार। और ये भी भेड़े आपको दिखा रहा हूँ। और मैं भाई से डिमांड लेता हूँ, क्या डिमांड किया था, क्या डिमांड किया इनकी? 40,000। फाइनल कितने पे कितने कहने के? फाइनल बताओ, फाइनल बताओ, फाइनल फाइनल 25 के देंगे? 25 के भाई ये अगर देंगे ना, तीनों भेड़े आप लेंगे ना, मैं आपको ये 25,000 के हिसाब से आपको लेके दूंगा मेरे भाई। ये मैं जवाबदार हूँ, अगर लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करके आ सकते हैं। ये देखे आप इस भेड़ को भी देखे, तीनों लेंगे तो 25,000 के हिसाब से आपको मिल जाएंगे मेरे भाई। अब मंडी कौन सी लगी हुई है, कब का, कौन सा दिन है, दिन कौन सा है? बुध है ये, ठीक है मेरे भाई। और ये मेरे भाई उसी भाई की लाड दिखा रहा हूँ जिस भाई ने बोला मेरे पास 10 भेड़े हैं। और ये इसकी भी डिमांड लेते हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं, क्या बच्चों वाली हैं या खाली हैं, जो भी हैं आपको बताएंगे। ये देखें मेरे भाई आपको ये बच्चों वाली भेड़े हैं अलहमदिल्ला आपको दिखाने लगे हैं। हालांकि बच्चों वाली भेड़े बहुत ही कम होती हैं, इस भाई के पास अलहमदिल्ला बच्चों वाली भेड़े भी मौजूद हैं। और भाई से डिमांड लेंगे, क्या डिमांड करता है, मंडी महंगी सस्ती सारा कुछ इसमें बताएगा मेरे भाई। इनकी क्या डिमांड कर रहे हो भेड़े की? आप हमारे इनके दिखाएं और हमारे मेरे भाई आपको दिखा लें, हमारे दिखा के फिर आपको इनके डिमांड वगैरह भाई बताता है। और इनका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यार। चलो ठीक है आप मुझे ये बताओ, और ये दांत दो दांत है मेरे भाई, ठीक है यार बस ठीक है। और ये भी हमारा मेरे भाई आप देखें मेरे भाई, और देखें और बच्चों वाली कौन सी भेड़ है, कौन सी? और ये भेड़ बच्चों वाली मेरे भाई आपके सामने आ रही है। और इसके नीचे के इनके नीचे फीमेल है मेल है? दोनों फीमेल हैं। अच्छा ये कितनी भेड़े हैं आपके पास? 6 भेड़े हैं ना, आप इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? फाइनल बताओ, फाइनल 26,000 के? एक खीरी है, एक चौगी। अच्छा ये बच्चों वाली भी साथ, टोटल 6 भेड़े। अभी इतना रह चुका, फाइनल कहाँ पे देंगे? फाइनल 26 फाइनल, बच्चों वाली भी साथ होगी। और दो फीमेल मेरे भाई आपके सामने, ये देखें दो दांत भेड़े, खीरी है इसमें। ये देख रहे मेरे भाई सारा कुछ हम आपको बता दें, मंडी महंगी सस्ती है ये, कितना सस्ती है तकरीबन? फिर भी 5,000-10,000 एक माल। अच्छा ठीक है 5,000-10,000 मेरे भाई, ये कहते हैं सस्ती है। देखो आपके सामने मंडी का जो विजिट करवाऊंगा मेरे भाई, ये देख रहे हैं
आपके सामने जब भी जहाँ भी देखें आपके सामने भेड़े नजर आएंगे, कहीं पर भी सौदा बदला नहीं हो रहा मेरे भाई, आपके सामने सब भेड़े भेड़े खड़ी हुई हैं मेरे भाई। और इस वजह से मेरे भाई आपको कहता हूँ अभी से खरीदारी करो, अभी से फ़ायदा उठाओ, आपको ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। और देखिए मेरे भाई आपके सामने आप इनकी भी डिमांड लेते हैं, ये भेज के पास कितनी भेड़े हैं सारा सीन हम आपको इस वीडियो में आपको डिटेल के बताएंगे। भाई इनकी क्या डिमांड कह रहे हो, फैन कहाँ पर देंगे, कम नहीं है? अच्छा आप मंडी महंगी सस्ती है, कब तक महंगा होगा? ये देखो मेरे भाई इतना बड़ी भेड़ 25,000 के हिसाब से मिल गई, ये भी देखो, और इसमें ये भी 25 की मिलेगी, अगर ये कितने की, ये 18,000 की मिलेगी। ये देखो ये वाली भेड़ 18,000 की, ये वाली 25,000 के हिसाब से, मतलब अभी से खरीदारी करनी चाहिए ना, अभी से दे के मेरे भाई आपके सामने खरीदारी करें, अभी आप फ़ायदा उठें, आपको अच्छा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी उम्मीद है मेरे भाई मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाई होगी। बाकी और भी भेड़े ये भी खड़े हैं, इसकी भी डिमांड लेते हैं, ये क्या डिमांड करते हैं, बाकी पूरी तफसीलियत मेरे भाई मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। ये भेड़े आपके सामने, ये भी माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी वाली बड़ी भेड़े खड़ी हैं, भाई से डिमांड लेते हैं इनकी क्या डिमांड करते हैं। भाई क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी भेड़ों की, फाइनल कहाँ पर देंगे, फाइनल 23,000 के हिसाब से, मतलब 2,000 कम 20,000 से आपको मिल जाएंगी भेड़े। और गब्बा ने खा लिया है और ये खाली करके दे रहा है मेरे भाई आपके सामने। बाकी उम्मीद है मेरे भाई आप जितना जल्दी होगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप हमें देखिए ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में हम अपने भाइयों को मिलेंगे।